हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर के जरिए बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन और एक्ट्रेस काजोल एक बार फिर पर्दे पर साथ नजर आने वाले हैं। फिल्म के कई पोस्टर सामने आ चुके हैं, वहीं बीते दिन फिल्म में काजोल के लुक की भी झलक देखने को मिली थी और अब फाइनली फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हो गया है। फिल्म में अजय देवगन और काजोल के अलावा सैफ अली खान भी दमदार लुक में नजर आए हैं। फिल्म के ट्रेलर रिलीज के कुछ ही देर में हजारों लोग ट्रेलर देख चुके हैं। चलिए पहले बताते हैं आपको फिल्म के ट्रेलर को लोगों की तरफ से कैसे रिएक्शंस मिले हैं। तानाजी ट्रेलर इज थंडरस्टॉर्म। द ट्रेलर इज एक्शन पैक्ड विद सीटी मार डायलॉग्स एंड बैकग्राउंड म्यूजिक विच इज हेयर रेजिंग। द हाईलाइट फॉर मी इज सैफ अली खान, हुम आई एंजॉय मोर व्हेन ही प्लेज एंटागोनिस्ट। अजय देवगन स्टुपेंडस एंड इट्स काजोल रेज। तानाजी द अनसंग वॉरियर विल क्रॉस ऑल सलमान खान करियर। A beautiful trailer, a power-packed action, glorification of Bhagwa at its best. A tight slap to invaders and their sympathizers. Tanaji trailer is looking good. It's going to be one of the biggest blockbuster of Indian cinema. Om Raut, Kajol, Ajay Devgan is simply outstanding. Saif Ali Khan will definitely overshadow many character. BGM is just only goosebumps. तो आपने देखा, लोगों को फिल्म का ट्रेलर काफी पसंद आ रहा है। ट्रेलर में दिखाए गए वॉर सीन्स, एक्शंस, कैरेक्टर्स के कॉस्ट्यूम सभी जबरदस्त लगे हैं। बताते चले कि ये फिल्म सूबेदार तानाजी मलुसरे पर बेस्ड है, जिसमें काजोल सावित्री बाई मलुसरे के किरदार में दिखाई दे रही है। बता दें कि फिल्म में काजोल गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर दिखाई देंगी। फिल्म में अजय, सैफ, काजोल के अलावा पंकज त्रिपाठी और नेहा शर्मा जैसे स्टार्स भी अहम रोल में दिखाई देंगे। फिल्म का डायरेक्शन ओम राउत ने किया है और यह फिल्म अगले साल 10 जनवरी को रिलीज होगी। अजय जी, here at your center. सबसे पहले व्हाट अ ट्रेलर, अमेजिंग ट्रेलर सर। मतलब I literally got goosebumps. Congratulations, this is Ankita from Republic and आपका 100th प्रोजेक्ट है, बहुत अमेजिंग ट्रेलर है। एक चीज जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो भूमिका आपने निभा रहे हैं वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल भूमिका है इन द फिल्म, साथ ही आपको बहुत ही डेयर डेविल स्टंट्स भी हम करते देख रहे हैं, तो किस तरीके से उस चीज की प्रिपरेशन की और कितना स्पेशल है ये फिल्म आपके लिए? आई थिंक ये फिल्म अपार्ट फ्रॉम इट बीइंग 100 फिल्म, वैसे ही इतनी स्पेशल है क्योंकि जैसा आपने कहा कि जब आप कोई फिल्म करते हैं, जैसे तानाजी जैसी फिल्म करते हैं, जब तानाजी की आप भूमिका निभाते हैं जो कि एक इतने बड़े वॉरियर हीरो रह चुके हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। जैसे शरद कह रहा था कि शिवाजी राजे जब करते हैं तो यू नो, तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसे कैरेक्टर्स को किसी गलत तरीके से पोर्ट्रे ना करें, तो सबसे पहले तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। एक्शन करना, स्टंट्स करना, अब काफ़ी मारे भी लगी हुई हैं, रोहित को भी पता है, इस वक्त मेरे पैर में भी बहुत तकलीफ है, लेकिन करना पड़ता है तो उसके लिए मेहनत करके कर लेते हैं। हाय अजय, दिस साइड लेफ्ट, या लेफ्ट, या दिस साइड, या ट्रेलर इज ऑसम। मेरे ख्याल से ये एक इतिहास बनाएगी पिक्चर। अजय ये जानना है, 30 साल पहले आपने सपना देखा था, तो 30 साल रोक पाना और उस पर किस तरीके से आपने काम किया था जो अब साकार करने का सोचा? जब हम सपने की बात करते हैं तो जब हम डिस्कस करते थे, हम ये डिस्कस करते थे कि हम अंग्रेजी फिल्में देखते हैं, हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, हमारे पास वो उस किस्म की टेक्नोलॉजी क्यों नहीं है। और सपना यही था कि किसी दिन हम इस किस्म की फिल्में बना सकें जो कि हम एट पार बाहर की फिल्मों के सामने खड़े रह सकें और बोलें कि देखिए हमारे पास बजट आपसे आधे से भी कम है, लेकिन फिर भी हम आपके लेवल तक पहुँच सकते हैं या शायद। तो सपना यही था क्योंकि हमारे पास टेक्नीशियंस हैं, हमारे पास अगर इतने बजट में अगर हम ये क्वालिटी ला सकते हैं तो आप सोचिए कि हमारे टेक्नीशियन कितने ज़्यादा बेहतर होंगे, तो ये मुझे लगता है। और यही सपना था कि उन सबको सामने ला के हम ऐसी क्वालिटी दिखा सकें। एक एक वक्त आएगा और जब हम ये सपने की बात करते हैं तब तब फिल्में आपको पता है कि किस क्वालिटी की भी बनती थी। कोशिश तब भी लोग करते थे लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तो अब वो आ गई है, तो अब लोग मेहनत कर रहे हैं, अब हमारे पास इतने अच्छे अच्छे टेक्नीशियंस हैं, डायरेक्टर्स हैं, तो ये जो आप देख रही हैं ये आज साकार करने में उन सब का बहुत बड़ा हाथ है। आप
आई थिंक सोचना तो ये इस बारे में ओम ने सोचा और ओम ने बहुत मेहनत की इस पे. जब ओम ने मुझे ये स्क्रिप्ट सुनाया, मुझे स्क्रिप्ट बहुत पसंद आया, फिर उसके बाद हम बैठ गए इसको कि इस लेवल तक कैसे लेके जा सकें. और लकीली मेरे पास हमारे पास एक बहुत बड़ा सपोर्ट है NYVFX वाला, जिनका काम आपको नज़र आता ही है और आज तक नज़र आता ही आया है. तो आई थिंक इन सब ने मिलके ये चीज़ें पूरी कर पाए. ओम ओम स्टेफ ओम ओम ट्रेलर आवडला, इम्प्रेसिव आहे अगदी. ओम इकडे 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 ओके ओके थँक्यू. या सब्जेक्टसाठी केलेला स्टडी, मेहनत, अभ्यास याबद्दल थोडंस पाहिजे. खूप डिटेल्स मध्ये गेला असणार या सब्जेक्टसाठी. हां, बहुत मेहनत की, बहुत स्टडी किया, बहुत सारे बुक्स पढ़े, बहुत सारी पेंटिंग्स के ऊपर से इंस्पिरेशन ली है. एंड वी स्टार्टेड ऑन दिस जर्नी इन 2015 when we started writing this film. Mr. Prakash Kapadia, who's the, as I say, that, you know, Chita ki chaal, baas ki nazar aur baji rao ki talwar jo line likhi hai, Prakash Kapadia ke kalam par koi sandeh nahi karte. Mr. Prakash Kapadia came on board, Prasad Sutar was here, and we started this doing ultra research on the smallest of the aspects of the film. Har ye duniya banani padti hai, ye world banana padta hai. 1670 kisi ne dekha nahi hai. तो 1670 में वर्ल्ड कैसे था, वो वर्ल्ड क्रिएट करने में हमने बहुत टाइम निकाला. एंड ऐसे करते 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 बहुत सारी बुक्स से रेफरेंसेस लेके, बहुत सारी पेंटिंग से रेफरेंस लेके, वी केम टू अ पॉइंट वेयर वी कुड डू व्हाट वी कुड डू. स्टेफ, आंसर योर क्वेश्चन सर. स्टेफ, आपके लेफ्ट में इधर, यहाँ पे राइट में सॉरी. सबसे पहले तो तारा जी की बात करें तो बहुत टाइम के बाद हम एक बेहतरीन 3D फिल्म देखने वाले हैं, जिस तरह से हमें देखने को मिला. और स्टेफ, अगर हम आपके किरदारों की बात करें तो आपने कई सारे शेड्स निभाए हैं, बट उदय भान का किरदार एक बहुत ही अलग लेवल का है. उसके लिए किस तरह की तैयारी करनी पड़ी, बिकॉज वो एकदम अलग, आपकी पर्सनैलिटी से टोटली अलग है. यू नो, मुझे इतना मजा आया फिल्म करते वक्त. हमने करियर में काफ़ी मेहनत की है, लाइव लोकेशंस में जाकर और यू नो बैक ऑफ बियॉन्ड में शूटिंग की है. तो हम लोग सुबह उठ के, मैं ड्राइव करता था, नो ट्रैफिक, स्ट्रेट टू फिल्म सिटी. वहाँ पे दो बड़े सेट लगे थे अजय देवगन फिल्म्स, एयर कंडीशनर चला हुआ था और सब ब्लू स्क्रीन, ग्रीन स्क्रीन चारों तरफ. हाँ, ओ नो, आई डोंट नो, बट तो मुझे इतनी कंफर्टेबल शूट थी. और हमारे जो डायरेक्टर थे, उन्होंने इतना फोकस किया मेरे ऊपर और एक मौका दिया कि 1, 2, 10, 15 टेक हम लोग करते थे वहाँ पे. 27 हम लोग मेहनत करते थे, उसको इम्प्रूव करते थे, कभी कभी 20 टेक, 25 टेक भी किए हैं. तो ऐसा 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 मौका मिलना भी बहुत बड़ी बात है. और हमने उसको इम्प्रूव किया हमने. और ऐसा नहीं कि फर्स्ट टेक, सेकेंड टेक अच्छे नहीं थे, लेकिन हम एक परफेक्शन के पीछे पड़े थे. हमने बहुत इतनी मेहनत में, ये अपनी परफेक्शन के पीछे पड़े थे, लेकिन अल्टीमेटली फर्स्ट टेक या सेकंड टेक ही ओके लगे हुए. लेकिन बेसिकली डायरेक्टर ने बहुत मदद की मेरी. और फॉर यू टू ओनली डू सो मेनी टेक्स विद सो मच एनर्जी, आई गेस टू मच फन. आई हैड टू मच फन. इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर. इट वाज अ लिटिल क्रेजी कैरेक्टर. एंड इट वाज ब्यूटीफुल फन. हेलो अजय सर. हाय. हेलो. हाय हाय अजय सर. हाय. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ही शानदार धमाकेदार ट्रेलर है और सभी को आई होप बहुत पसंद आया होगा. जय भवानी, जय शिवानी जी. सो जैसा कि हमने बताया, काफ़ी बुक्स से लिया गया, काफ़ी ड्राइंग्स रही, काफ़ी पेंटिंग्स रही, उससे काफ़ी कुछ निकाला गया. इस तरह के प्रेप रही, आपकी क्या प्रेप रही इस ताना जी के किरदार? वही जवाब मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिया. प्रेप मेरी, आई फॉलोड माई डायरेक्टर. और देखिए, जो हमने पढ़ा है उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में कैसे वो बिहेव करते थे ताना जी, कैसे वो क्या करते थे, वो बहुत ज़्यादा लिखा नहीं है. तो वो आपको एक इमेजिन करना है और वो डिग्निटी मेंटेन करके करना है बेसिकली. जिस तरह हमने देखा ट्रेलर, बाहुबली से भी हम कंपेयर कर सकते हैं आपके? नहीं, मैं नहीं चाहूँगा कि हम किसी फिल्म से कंपेयर करें. हमारी फिल्म अलग है, हमारी फिल्म अलग कहानी कह रही है. तो इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनती हैं, लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. हम भी थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम भी अच्छा काम कर लें. तो दैट्स इट. वेल, टुडे बीइंग मेंस डे, अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द मेन स्टैंडिंग ऑन द डाइस. ओह या, टुडे इज मेंस डे. आई मेंस डे.
Happy Man's Day. A round of applause. Guys, a round of applause because we can see all men on the dais minus women.